To know that the bill to provide for merger of union territories of Dadra and Nagar Haveli and Daman Diu and for matters connected with the passed by Lok Sabha to be taken into consideration. Motion moved. Mani Mantri ji kuch bolna chahe. Adhyaksh ji, ye Dadra Haveli aur Daman Diu दो यूनियन टेरिटरीज मर्जर करने का निर्णय सरकार लिया है, क्योंकि दोनों का पॉपुलेशन बहुत कम है और दोनों का पॉपुलेशन दादरा नागर हवेली का 3.43 लाख और दामन दीव का जनसंख्या 2.43 लाख, ये दोनों मिलके आसपास 5 करोड़ 86 लाख पॉपुलेशन है। ये दो स्टेट्स का जनसंख्या बहुत कम है। इतिहास देखे तो भी अध्यक्ष, ये दोनों भाषा एक ही है। इसमें पहले से भी गोवा के मिलजुल के ये दोनों स्टेट थे। गोवा के गांडर गवर्नर के एडमिनिस्ट्रेशन के रूल में काम किया है। ये दोनों भी पोर्चुगीज के रूल में थे। नागर हवेली के निवासियों के 1956 को पोर्चुगीज शासन से आजाद मिला था। 1954 से 1961 तक इस क्षेत्र का प्रशासन स्वतंत्र दादरा नगर हवेली वो वरिष्ठ पंचायत के नाम पर जाने वाले सिटीजन काउंसिल से शासन चलाया था। वर्ष 1961 में इसका भारत गणतंत्र रिपब्लिक इंडिया में मर्ज किया गया और इसे यूटी बनाया गया, जबकि दामन दीव पर पोर्चुगीज द्वारा 1951 के और भारतीय सेना के द्वारा दिसंबर 1961 में इसका पोर्चुगीज से शासन का स्वतंत्र किया गया था। एडमिनिस्ट्रेटिवली दामन दीव दादरा नगर हवेली दोनों एडमिनिस्ट्रेशन एक ही एडमिनिस्ट्रेशन के थे। 1962 से लेके 1987 तक गोवा दामन दीव लेफ्टिनेंट गवर्नर दादरा नगर हवेली का एक्स ऑफिशियो एडमिनिस्ट्रेटर रहे थे। उसके बाद भी 1992 तक गोवा के गवर्नर दोनों यूटीज का एडमिनिस्ट्रेशन का नियुक्ति किया गया था। उसके बाद सिविल सर्वेंट को एडमिनिस्ट्रेशन के रूप से पोस्टेड किया गया था। 1917 तक प्रारंभ से ही ये 5,86,000 पॉपुलेशन के लिए दो स्टेट दो सचिवालय थे, मगर अध्यक्ष एक ही ऑफिसर दो जगह, तीन दिन एक जगह जाना पड़ता है, दो दिन एक जगह जाना पड़ता है। एडमिनिस्ट्रेटर हो और एडमिनिस्ट्रेटर का एडवाइजर्स हो, सेक्रेटरीज हो, अलग अलग ऑफिसर्स, एक ही ऑफिसर से दो स्टेट्स घूमना पड़ता है और दामन दीव के मंडे वेडनेसडे फ्राइडे ऑफिसर्स अवेलेबल रहते हैं। दादरा नगर हवेली में ट्यूसडे थर्सडे ऑफिसर्स अवेलेबल रहते हैं। हफ्ता में तीन दिन एक जगह, दो दिन एक जगह ऑफिसर्स घूमते रहते हैं। इसके कारण प्रशासन से कुशलता नहीं बढ़ रहे, ऑफिसर्स थक जा रहे थे। 600 किलोमीटर जर्नी करना पड़ता हर दिन। इसके लिए सरकार ने तय किया है ये दोनों स्टेट्स का अगर एक ही करना है। सरकार से पहले ही इधर सिविल सोसाइटीज ऑफ टू स्टेट्स वो लोगों का मांग था, दो स्टेट एक करना है। सुब्रा उनका संसद, दोनों का संसद भी वो उनका मांग था, दोनों करना है। आने वाले दिन में एक एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, स्पीडी डेवलपमेंट और स्वतंत्रता कुशलता प्रशासन के कुशलता का लिए ये दो स्टेट एक ही करने का रिक्वेस्ट बहुत दिन से हमारा सरकार के सामने है। इसलिए मैं संसद के सामने ये बिल लाया हूँ। मैं आदरणीय सांसद महोदय से आपका द्वारा अनुरोध करना चाहता हूं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव कुशलता के लिए ये बिल लाए हैं, विकास के लिए, स्पीडी डेवलपमेंट के विकास के लिए लाए। जनता को भी ऑफिसर्स अवेलेबल नहीं रहते हैं, दो हफ्ते में दो दिन अवेलेबल रहते हैं, एक जगह तीन दिन अवेलेबल रहते हैं जनता को। इसके कारण आने वाले दिन में वीकली 5 डेज एक ही जगह ऑफिसर्स अवेलेबल रहते हैं। उसके साथ ही साथ ऑफिसर्स एक है, एडमिनिस्ट्रेशन अलग अलग है, फजूल खर्च भी कम हो जाता है, एक्सपेंडिचर भी कम हो सकता है। इसलिए
मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, ये दादरा नगर हवेली का जो और इसका जो मिलाने का जो मर्ज करने का जो प्रयास है सरकार का, जो बिल आए गए उसको पास करने के लिए मैं पूरे संसदों से अनुरोध करना चाहता हूं।